आखिर किस बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने एमसी स्टैन के लिए ये मैसेज भेजा है और क्या मैसेज भेजा है? और आपको बता दें कि ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस के दूसरे सबसे हिट सीजन की कंटेस्टेंट है, बिग बॉस सीजन 13 की। और एमसी स्टैन को उन्होंने बहुत तगड़ा एक मैसेज लिखकर भेजा और इस मैसेज में कहीं ना कहीं और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं। जनता जो है ये मैसेज देख रही है तो वो भी थोड़ा सा शॉक में है कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो क्या कहा है इस बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टेंट ने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। शिव ठाकरे जिन्होंने बहुत लोगों के दिल जीते और एमसी स्टैन जो शिव ठाकरे के साथ में मिलकर दिल जीत रहे थे, लेकिन एमसी स्टैन एक छुपा रस्तम खिलाड़ी निकले भाई कसम से। लोगों ने बोलते ना कि यार पढ़ के गए थे कुछ और दूसरा और आउट ऑफ सिलेबस ही कुछ हो गया। तो ये था कि लोग सोच रहे थे कि प्रियंका या शिव इन दोनों में से कोई जीतेगा, लेकिन स्टैन भाव अपने आउट ऑफ सिलेबस आए और ट्रॉफी मार ली। लेकिन मारनी भी चाहिए और हक बनता है उनका। जिस लेवल का स्टैन के फैंस ने उनको सपोर्ट दिया है वो तो डिज़र्व करते थे ये चीज़ की यार, मतलब इस लेवल का अगर सपोर्ट मिले तो मज़ा ही आ जाए किसी भी बंदे को इतना सब देखकर। तो एमसी स्टैन को तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, फिर चाहे वो गौतम गुलाटी हो, गौतम गुलाटी ने बाहर आके ट्वीट भी किया था कि कड़क बंदा है और मस्त है, मस्त रैपिंग भी सॉलिड करता है और मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया उसी चीज़ पर। आधा से ज़्यादा इंडियन हिप हॉप सीन स्टैन को सपोर्ट कर रहा था कि स्टैन जीते, स्टैन डिज़र्व करते हैं। तो अभी हाल ही में बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी शेफाली जरीवाला जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। शेफाली लिखती हैं, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन, कॉन्ग्रेचुलेशन एमसी स्टैन, मैं थोड़ा लेट हूँ लेकिन कभी कभी अच्छा होता है थोड़ा लेट जाना, इससे अच्छा कि नहीं जाना। तो कोई लिख रहा है, जनता जो है रिप्लाई करिए, कोई लिख रहा है कि 541 के इंस्टा वॉचिंग हाईएस्ट इन इंडिया, एनी सेलिब्रिटी रिकॉर्ड, स्टैन सब जगह पे। फिर कोई लिख रहा है कि स्टैन ऑन 9th पोजीशन इन द वर्ल्ड, अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो लाइव में, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका लाइव देखा गया है, तो 9th पोजीशन पे एमसी स्टैन आ रहे हैं इस मोमेंट पे, और आपको बता दें। और फिर कोई लिख रहा है कि सिर्फ एमसी स्टैन ही, एमसी स्टैन हर जगह है मम्मा, कुछ नहीं दिखेगा बाकी, एमसी स्टैन के अलावा किधर भी कोई नहीं है। फिर कोई लिख रहा है कि भाई स्टैन ही स्टैन है हर जगह, फिर और कैसे दिखेगा। फिर कोई लिख रहा है कि देख लो एमसी स्टैन का क्रेज़, द नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ है। फिर कोई लिख रहा है कि एक पुराना ट्वीट उनका शेयर हो रहा है शेफाली का, उसमें लिखा है कि आई रियली होप एमसी स्टैन स्टेज इन हाउस, आई फील ही हैज़ द पोटेंशियल टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड मूव फॉरवर्ड इन द गेम, बस्ती का हस्ती सुड स्टे। फिर कोई लिख रहा है कि इंस्टा लाइव काउंट देखा क्या मैम आपने, स्टैन ने उसमें भी रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।